ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में मैं डॉक्टर कामिनी खन्ना आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे हम ऑरा यानी कि आभा की। हमारे में से कई लोग ये भी नहीं जानते कि ऑरा यानी कि आभा क्या होती है। एक तो आपका शरीर होता है, दूसरे आपकी आत्मा होती है, और तीसरे आपकी आत्मा और आपके शरीर के आस पास वलय होते हैं जो आपके कर्मों से क्रिएट हो जाते हैं और वो दिखाई नहीं देते। कई लोग दावा करते हैं ऑरा रीडर्स के, ऑरा वो रीड कर सकते हैं, ऑरा दिखा सकते हैं आपको, वो आभा दिखा सकते हैं, लेकिन जो आम मनुष्य है उसकी समझ से परे है ऑरा यानी कि आभा। अब ये आभा हम कहते हैं ना, जैसे कि भगवान को देखते हैं हम किसी चित्र में, तो उनकी सर के पीछे ऐसे गोल वलय होता है पीले कलर में और उसमें से कई तरह की किरणें निकल रही होती हैं, और वो होता है उस ईश्वर का, उस भगवान का, उस देवता का ऑरा। इसी तरह आपके भी शरीर का एक ऑरा होता है, और ये जो ऑरा होता है ये आप बनाते हैं आपके अच्छे कर्मों से या आपके बुरे कर्मों से। आपके ऑरा में यानी कि जो बढ़ोतरी भी हो सकती है अगर आपकी जिजीविषाएँ, अगर आपका मेडिटेशन और अगर आपके अच्छे कर्म बहुत स्ट्रांग हैं तो आपका ऑरा बढ़ते चले जाता है। फिर उसके लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं हमेशा कि बुद्ध महाराज का ऑरा 80 माइल तक चलता था, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा सुना है मैंने, क्योंकि अंगुलीमाल जो कि 80 माइल्स की दूरी पर था, और जब भगवान बुद्ध उसके सानिध्य में, 80 माइल्स दूर थे अभी भगवान बुद्ध और उसके सानिध्य में आए, तो अंगुलीमाल ने उंगलियां काटना छोड़ दी और वो मन प्रवर्तन हो गया उसका सिर्फ बुद्ध महाराज के ऑरा में आने से। कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई इंसान आया तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई इंसान आया तो आपको वो खुशी दे रहा है और उसके आने से मुझे बड़ी खुशी मिलती है, उसे गले लग के मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो ये गले लगने से क्या करते हैं आप, उसके ऑरा को आत्मसात कर लेते हैं, उसके ऑरा में चले जाते हैं आप, क्योंकि हर इंसान का एक ऑरा होता है, आपका एक ऑरा होता है, और जब आप उसके ऑरा में जाकर उससे गले लगते हैं तब आप उसके ऑरा को आत्मसात कर लेते हैं। अब ऐसे में उसकी अच्छाइयां या बुराइयां आपको प्रभावित करती हैं, इसलिए पुराने जमाने में हमारे हिंदू धर्म में नमस्ते करने की प्रथा थी। मतलब कोई अगर मिले हमें तो हम उससे नमस्ते करते हैं, और जो पाश्चात्य पद्धति है वो है हाथ मिलाने की, वो है गले लगने की। तो जो पाश्चात्य पद्धति में आप दूसरे के ऑरा में आ जाते हैं, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ आपको प्रभावित करना शुरू हो जाती है। अब ये सब तो हम लोकल ट्रेनों में भी होगा और ये कहीं हम अवॉइड नहीं कर सकते कितनी जगहों पर, लेकिन जहाँ तक हो सके हमारी प्रथाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमको सिखाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम नमस्ते क्यों करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम करते जाते हैं बट हमको पता नहीं होता हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, और हाथ ही क्यों मिलाते हैं, हैंड शेक क्यों करते हैं, और लोग करते हैं हैंड्स ज्वाइन करो मेरे साथ में, इसका मतलब कि तुम्हारे ऑरा को, तुम्हारे कर्मों को, तुम्हारे व्यवसाय को मैंने आत्मसात किया। ऐसा कई बार होता है, कई साधु सन्यासी जो होते हैं या कई तपस्वी होते हैं, जो कई नॉर्मल लोग भी होते हैं, वो आपके पैरों में, उनके पैरों में आपको हाथ लगाने नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, हमेशा पीछे हटे रहते हैं, उनसे दूरी से आप नमस्कार कर सकते हैं, उन्हें दूरी से आप मिल सकते हैं। तो आपने पाश्चात्य संस्कृति अपनाई, आपने हाथ मिलाया, आप गले लगे, मतलब कि आपने दूसरे के कर्मों को आत्मसात किया, आपकी पर्सनालिटी में इससे आ जाते हैं चेंज। आप कहते हैं ना संगत अच्छी होती है, मैंने एक जगह लिखा था कि संगत अच्छी होती है तो कर्मों में रंगत होती है, ना रहता बाढ़ और सूखे का डर और हर मन में गंगा होती है। तो होता क्या है, संगत में आने से आपके बाजू में बैठ जाते हैं लोग, आपके मित्र होते हैं, उन लोगों से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। तो आप कहेंगे कामनी जी करना क्या है, अरे करना क्या है, अपनी शक्तियों को पॉजिटिव बनाते हुए, अपने कर्मों को अच्छा करते हुए, अपने लोगों को, जो लोग आपको, आप चाहते हैं कि उनसे आपकी दोस्ती हो, उनको एक कहा जाता है कि मेडिटेशन में मंगल मैत्री भी भेजी जाती है, उनके कर्मों को भी आप खराब बना सकते हैं, उनके भी विचार आप पॉजिटिव कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जब कोई एक थप्पड़ मारने आता है, अगर वो दो थप्पड़ मार ले और सामने वाला कुछ बोले नहीं तो
सामने वाला जिसने थप्पड़ मारे होते हैं उसको शर्मिंदगी महसूस होनी शुरू हो जाती है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आपको भी गुस्सा आ जाता है, वेरी नेचुरल। लेकिन इसीलिए आपको अपनी संगत अच्छी रखनी चाहिए, अपनी मेडिटेशन की क्रियाओं को स्ट्रांग बनाना चाहिए, अपनी आभा को बढ़ाने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, और आपकी आभा जब इतनी बड़ी हो जाती है तो आप किसी पार्टी में जाएँ, आप किसी लोगों के बीच जाएँ तो लोग आपको वेलकम करना शुरू कर देते हैं, आप जाते हैं तो लोगों के बीच में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये सब चमत्कार जो है ये आभा का है। जितने भी बड़े व्यक्तिमत्व हुए हैं उनकी आभा बड़ी स्ट्रांग होती है, और जब आपको किसी की आभा स्वीकारनी नहीं है तो हमारे धर्म में उसके लिए भी एक विधा दी गई है। आपने कृष्ण भगवान को देखा होगा, वो लेग क्रॉस करके खड़े रहते हैं, है ना। अगर आप किसी मीटिंग में गए हैं तो ज़्यादातर लेडीज जो हैं वो लेग क्रॉस करके ही बैठती हैं, और वो भी ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सिखाया करती हूँ मैं कि आप किसी के विचारों को आत्मसात नहीं करना चाहते तो आप विवेकानंद कृष्ण भगवान की जो मुद्राएं हैं उनको आप आत्मसात कर सकते हैं। कैसे? ऐसे विवेकानंद की मुद्रा है तो आपने उसको ऐसे क्रॉस कर दिया। क्रॉस कर दिया मतलब लेग को क्रॉस कर दिया, हाथ को क्रॉस कर दिया, इसका मतलब आप किसी के विचारों से अपने ऊपर असर नहीं डालना चाहते। ये नहीं कि आप उसकी बात सुनना नहीं चाहते, आप उसकी बात सुनेंगे तब भी सुनेंगे, सुनना तो कानों से है, लेकिन आपको उसके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है क्योंकि आपको सामने वाले के विचार पसंद नहीं है। तो आपने लेग क्रॉस कर दिए, आपने हैंड्स क्रॉस कर दिए और आप अपने ही विचारों में निहित रहे। यह है आभा का चमत्कार। मैं कामिनी खन्ना आज के लिए आपको बस इतना ही बता रही हूँ, फिर एक बार आऊंगी आपके साथ ऐसे ही किसी विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा याद रखिए। क्या? ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी बोलती है वृद्धों की सेवा कीजिए। ये जो आश्रम खुल रहे हैं ना जगह जगह, इतने वृद्धाश्रम, ये बड़ी शर्मनाक हरकत है कि हम अपने घर से वृद्धों को निकाल कर उधर डाल के आते हैं और उनकी सेवा नहीं कर सकते। हालांकि यही वृद्ध जब जवान थे तब अपने बच्चों को दिन और रात सेवा करते रहें। और दूसरा के पौधे लगाइए, बहुत पॉल्यूशन फैल गया है और पौधों से आपका व्यवसाय भी बढ़ता है, हमेशा मैं कहती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि व्यवसाय बढ़े और आपके जीवन में हरियाली हो, आपकी आंखों को ठंडक मिले हरियाली से, तो पौधे लगाइए, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी को अपनाइए।